प्रेम साहब आ गए। ओके वाह अरोरा साहब वाह वाह, मेरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पार्क में अपने धर्मपत्नी के साथ मस्ती चल रही है। अगर तुम्हारे पास पैसा ना हुआ तो ये देख रहे हो आप, क्या है ये आपका पैसा आपका दौलत? खत्म देवो, ये क्या किया तूने? नारायणी नमस्तुते। अरोरा बेटा मैं क्या करूँ, मैंने उसको बहुत समझाया है, आपसे माफी मांगता हूँ जो भी उसने किया है। आप आज मेरे से माफी मांग लो सही है, कल जो वो मेरे साथ करके गई किसी और के साथ अगर करती तो यहाँ पे आप कहीं मुंह दिखाने लायक रहते? किसी और यूट्यूबर के पास अगर वो जाके ऐसे बदतमीजी करती, ऐसे बदतमीजी से अपने पेशी रखती कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या होता उसके साथ? कोई और यूट्यूबर क्या करता उसके साथ, नहीं बताओ आप? वेरी सॉरी बेटा, वेरी वेरी सॉरी। सॉरी से अगर बात क्या बेटा, हम आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, हम हमारी बेटी थोड़ी सी है उसके अकॉर्डिंग समझ रहे हैं। एकदम सही नहीं है ये सब चीज है तो नहीं पर बेटा। और ये जनाब आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है? तो बाद बेटा हमें भी तो इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। ऐसे नहीं बोलते, माफी मांगो साहब से। सॉरी ठीक है, सॉरी है मगर चीज का ध्यान रखो और हमें कॉल करो इस चीज के लिए, हमें बताओ कि वो क्या हो रहा है क्या। बताइए, महीना डेढ़ महीना से स्टार्ट है कैमरा। दोस्तों आज मेरे साथ ये लोग जो बैठे हुए हैं, मैं आपको इन लोग के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जिस देवलीना अरोरा मैडम ने मुझे धमकी देकर शादी की 25 तारीख डेट बता के मुझे गई थी कि 25 तारीख को कोर्ट पहुंच जाना, आपको आपको इन्विटेशन मिला है या नहीं मिला आपको? कैसे बाप हो आप जो अपने पैसे कमाने के धुन में अपनी बेटी को नहीं संभाल पाए आप, और ऐसे बदतमीज बॉडीगार्ड को आप सौंप देते हो जो मतलब किसी ना गलत देख रहा ना सही देख रहा किसी पे भी चढ़ जा रहा है। बेटा मैं खुद उससे बहुत परेशान हूँ, मैंने उसके सब डेबिट क्रेडिट कार्ड सब ब्लॉक करा दिए। ये ब्लॉक आज आपने जो करा है ना, काश वो पहले कराते तो उसका जो रंगत था ना वो रंगत चेंज होता। बेटे हम समझाएंगे उसको, और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, तुम्हें जो भी मुआवजा देना होगा जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। मेरा क्या नुकसान होगा? जो भी तुम्हें डिफेमेशन हुई है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। मेरा कोई डिफेमेशन नहीं हुआ है, मेरा कोई डिफेम नहीं हुआ है, बस मैं मेरा ये चीज है कि मेरा मेरे लोग मेरे साथ थे इतना ही बहुत है मेरे लिए, मेरा कोई डिफेमेशन नहीं हुआ है, मैं खुश हूँ अपने अपने काम से, मैं खुश हूँ अपने कर्तव्य से। और आपकी बेटी को मैंने सबक नहीं दिखाया, सबक नहीं सिखाया, बस और बस मैं आपके चेहरा को देख के कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया था कि आप निहायत ही शरीफ किस्म के इंसान हैं और आपकी बेटी उतनी ही बदतमीज। बेटा मैंने उसको बुलाया है यहाँ पर, जैसे ही आती है मैं उसको समझाता हूँ ताकि आगे से ऐसा कोई काम ना जो करे। बेटी डेढ़ दो महीना से आपसे मिली नहीं है वो आपके एक बुलाने पर कैसे आ जाएगी? बेटे मैंने आपने उससे बात की थी ना, मैंने ऐसे भी कहा था कि उसको भेजना। बात क्या करना है, डांटेंगे उनको, बोलेंगे, समझाएंगे थोड़ा सा। बेटा तो आपका वो इतनी भी ना समझ नहीं है, जरूर हमारी बात समझाएगी उसको, एक बार उसको आने दो, जैसी आती है हम उसको बताते हैं। बताना क्या है और बात क्या करना है, बस इतना ही मैं बोलूंगा। अंकल जी संभाल लो अपनी बेटी को, वक्त है अभी, अगर वो हाथ से निकली तो आज यहाँ पे मुझसे माफी मांग रहे हो, पता नहीं कल आपको क्या क्या घर कोठी और क्या बंगला बेचना पड़ेगा वो आप ही जानते हो। ठीक है ठीक है भाई। हाँ बेटा हम इसके लिए शर्मिंदा हैं।
शर्मिंदा मत हो आप, आ रही आपकी बेटी, बात कर लेना अपना, ठीक है? कैमरा लगा रहेगा, माइक आपके पास एक लगा हुआ है, मैं एक और लगा देता हूँ। और सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सही के सपोर्ट में खड़ा रहो, ना कि गलत के सपोर्ट में, चाहे वो कोई भी इंसान हो, ठीक है? ये बेचारे अच्छे हैं, इनके साथ खड़े रहो। अगर मैं इनको टच भी करता हूँ, आप मुझे मारो पीटो, फर्क नहीं पड़ेगा, मगर गलत के साथ अगर खड़े रहोगे ना, तो भाई आप गलत हो, समझे? कभी भी कुछ भी कोई ऐसी बात होती है ना, आप हमें पहले इन्फॉर्म कीजिए। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसकी एज ए बॉडी गार्ड उसकी हेल्प करनी है, दूसरों से बचाना है, आपने ये भी देखना है कि गलत काम ना करे, क्योंकि गलत काम जैसे ही आपको, कितना कुछ छुपा रखे होंगे ये, कितना कुछ छुपा रखे होंगे सब हमें, अब इनसे समझ आ रही है, इनसे ये बता रहे हैं कि क्या कर रही है उसने, आपको हमें बताना चाहिए था सारी बातें। मैडम वो गलत है ना, गलत है तो आप बेटा हमें भी तो बोल सकते थे, ये चीज हमें भी तो कॉल कर सकते थे, बता सकते थे। मैडम आगे से ध्यान रखें। ठीक है अंकल जी, मैं यहीं पे हूँ, ठीक है जी, जो भी चीज़ होगा सारा चीज़ मैं रिकॉर्ड करूंगा बकायदा, और मैं डालूंगा हर चीज़, ठीक है? डिफेमेशन अगर मेरा अगर आपको लगता है तो वो चीज़ मैं पूरे फैमिली को दिखाना चाहूंगा आपके, ठीक है? इकलौती औलाद है तो इकलौती औलाद को ना संभाल के रखो, मुट्ठी में रखो, कंट्रोल में रहेगी, जितना छूट दिए हो दिखिए नतीजा आज। ओके वाह, मेरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पार्क में अपने धर्म पत्नी के साथ मस्ती चल रही है, वाह, आपका कोई जवाब ही नहीं है। देवो बेटा आप ये कैसे, आप चुप रहिए, आप पहले मुझे ये बताइए, आपने मेरा सारा कार्ड क्यों ब्लॉक किया है? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सोशल लाइफ आपने खराब कर दिया, आपको जरा सा भी अंदाजा है इस बारे में? बेटा हम तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं, तुम्हारी जिंदगी बनाना चाहते हैं। इसको जिंदगी बनाना कहते हैं अरोरा साहब? हाँ बेटा, मेरे दोस्तों के जितने भी पेरेंट्स हैं वो फॉरेन ट्रिप करवाते हैं, महंगी महंगी गिफ्ट देते हैं, और आप मेरे कार्ड्स बंद कर रहे हो, मेरी जिंदगी बर्बाद करके आप कह रहे हो आप मेरी जिंदगी बना रहे हो, ये कौन सा तरीका होता है अरोरा साहब जिंदगी बनाने का? बेटा पैसा जिंदगी को सुख देने के लिए होता है, तुम सारी सारी रात गायब रहती हो, सुबह आती हो तो वो भी नशे में चूर। आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, घर बैठ जाओ चूड़ियां पहन के, ये जैसे आपकी धर्म पत्नी ये साड़ी पहन के जैसे आपके पीछे पीछे, आप चुप रहिए, जैसे आपकी धर्म पत्नी साड़ी पहन के आपके पीछे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे डोलते रहते हैं, मैं भी ऐसे ही करूँ? ना 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 ना, हमने तुम्हें ऐसे तो संस्कार तो नहीं दिए। अरे ये संस्कार होता है, ये संस्कार होता है, इसको आप संस्कार कहते हैं? मुझे अपनी लाइफ जीनी है अपने तरीके से, आप मुझे जवाब दीजिए, आपने मेरा कार्ड क्यों ब्लॉक किया, मेरे दोस्तों के सामने मेरा पूरा इमेज डाउन कर दिया आप लोगों ने। कौन दोस्त, कैसे दोस्त? ये तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे पैसे के दोस्त हैं, सब तुम्हारे पैसे के पीछे हैं। आपको क्या लगता है आपके पैसों के बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, क्या लगता है? तुम क्या समझते हो दुनिया, तुम बिना पैसों के जी लोगी? मैं आपको दिखा दूंगी, आप और आपकी दौलत, आपके पैसों के बिना भी मैं जी सकती हूँ। एक दिन भी तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारा साथ नहीं देगा अगर तुम्हारे पास पैसा ना हुआ तो। ये देख रहे हो आप, क्या है ये, आपका पैसा, आपका दौलत। शिवे सर्वार्थ साधिके। खत्म। देवो ये क्या किया तूने? त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सुन ले अरोरा,
अगर तुझे लगता है दौलत के बगैर मैं नहीं जी पाऊंगी तो आज लिख के रख दे, तेरे बगैर मैं जी के दिखाऊंगी और उस दिन मैं तेरे सामने आऊंगी। देखो याद रखना ये, चुप रहो, याद रखना ये बात। और तू बहादुर, तू वो सही कुत्ता निकला, जब मेरे साथ तो मेरे साथ, जब इनके साथ तो इनके साथ। वफादारी हो तो तेरे से सीखे कोई। वाह, चुप रह, देख लिया मैंने तेरा था काम। चलो सुनीति जी, चलो चलो यहाँ। ओ तू, अच्छा तो ये सारा किया करा तेरा ही है। अभी मैं बोलू क्या बोलू, तुम्हारे जैसे बदतमीज औलाद ना होने से इंसान बे औलाद रहे। ऐसे इंसान को हाथ नीचे करके बात नहीं करूंगी। उस दिन चुप था तुम्हारे पापा के कारण, मगर आज देख लेना आज मैं क्या कर सकता हूँ। कर ले, तू कर ले, करना है तू कर ले, मैं यहीं पे हूँ, तू कर, तुझे क्या करना है। तू अपने होश में नहीं है बेटा, होश में आप लोग नहीं हो, होश में आप मालूम नहीं तुम क्या कह रही हो, होश में आप दोनों नहीं हो। अगर होश में होते ना तो अपनी बेटी के साथ ये हरकतें आप लोग नहीं कर सकते थे। निकल जाओ मेरे सामने से। अच्छा तू, तुझे तो मैं देख लूंगी। क्या देख लेगी? तुझे तो मैं देख लूंगी। क्या देख लूंगी? पहले मैं इनसे निपट लूं, फिर मैं तुझे देख लूंगी। जाओ मेरे सामने से, मुझे अपनी आप लोगों की नहीं कर रही हो तुम। पछताओगी, मैं कह रहा हूं। मैं? हां तुम पछताओगे। आप जैसे आपकी बेटी का दिल दुखा रहे हो ना, पछताओगे आप। बेटा आप दुखा रहे हो, उस दिन के लिए ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। निकल जाओ मेरे सामने, ये श्रीमती को लेके निकल जाओ मेरे सामने से। दफा हो जाओ, ऐसी औलाद से तो बेऔलाद होना अच्छा है। दफा हो जाओ। और तू अरोरा, तुझे क्या लगता है मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगी? तुझे क्या लगता है मैं तेरे पैसों से जीती हूँ, तेरे पैसों में मैं पलती हूँ? अरे देवोली ना अरोड़ा नाम है मेरा, तेरे से डबल पैसा भी तुरंत तेरे पैरों के नीचे आके अगर नहीं फेंका ना, अपना नाम बदल दूंगी। निहायत ही बदतमीज किस्म की औलाद हो। चुप तुम्हारी जैसी औलाद अगर किसी बाप को हो जाए ना, बाप शर्म के मारे नीचे गिर जाए। जिंदगी में कभी तेरे द्वार पर नहीं आऊंगी, लिख के रख दियो ये बातें। अब तू बोल। क्या बोलूं रे, तू बात करने लायक ही नहीं है। तमीज से बात कर ले। क्या तमीज से बात करूं? तू यहाँ पे क्यों आया था? क्या तमीज से बात करूं? चल निकल, मुंह बंद निकल ना, आज तेरे ऊपर बाप का साया है, दूर दूर तक कानों का खबर तक नहीं होगा। निकल जा मेरे सामने से। ना तेरे ऊपर आज बाप का साया है ना, उस बहादुर बॉडी गार्ड का ना हाथ है। निकल जा, बहुत जल्दी अपनी गिनती शुरू कर। तू शरीफ बाप है तेरा, इसलिए छोड़ा था। निकल जा।